हेलो एवरीवन, वेलकम हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। तो इस दिन सैटरडे था, हम लोग सडनली ये डिसाइड किए कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। हैदराबाद आए हुए काफी दिन हो चुका था लेकिन हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे, सो वी डिसाइडेड टू गो टू गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट एक काफी कॉमन टूरिस्ट प्लेस है हैदराबाद में। ये हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है और इट्स अ रुइंड सिटी। गोलकोंडा फोर्ट में पहुंचने के बाद ही आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। गोलकोंडा फोर्ट चले इसकी प्रथम बार हैदराबाद जर्नी पे। सूर्या, सो हैदराबाद आने के बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कोई टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने आई थी। गोलकोंडा फोर्ट का आर्किटेक्चर तो है ही अमेजिंग, लेकिन उसके अलावा एक और रीज़न भी है जिसकी वजह से मैं गोलकोंडा फोर्ट जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। गूगल में कहा जाता है कि गोलकोंडा फोर्ट इज़ वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस इन हैदराबाद, तो मुझे वो भी फील करना था कि कुछ सच में यहाँ पे है या इट्स जस्ट अ मिथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ी तालियों की आवाज भी गूंजेगी, दैट इज बिकॉज जिस प्लेस में मैं खड़ी थी वो एरिया से कहा जाता है ताली बजाओ तो फोर्ट के एकदम टॉप से सुनाई देता है। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बट लोग यहाँ पे ताली बजा के ट्राई कर रहे थे कि ऊपर तक सच में आवाज जाती है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इतना खूबसूरत गोलकोंडा फोर्ट का व्यू एंजॉय कर रही थी एंड आई वाज अमेज्ड कि इतने पुराने टाइम पे भी इतना मस्त आर्किटेक्चर बनता था। सो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द व्यू एंड एंजॉयिंग द रुइंस ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। पोर्शन इज सपोज टू बी द आर्म्स डिपो ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। प्लेस लुक्स वेरी क्रीपी। सूर्या, तुमको डर लग रहा है क्या? आर यू फीलिंग स्केर्ड कंसिडरिंग इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन हैदराबाद? सो हम लोग तो बस ऐसे घूमते घूमते टाइम पास करने चले गए थे गोलकोंडा फोर्ट, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप गोलकोंडा फोर्ट विजिट करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ टेक अ गाइड जो आपको अच्छे से गाइड कर सके और आपको बता सके गोलकोंडा फोर्ट के हर एक एरिया के बारे में, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो फोर्ट में आपको बहुत ऐसी जगहें मिलेगी जो थोड़ा सा ऐसे अबैंडन्ड सा लगता है, वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है और थोड़ा फंकी स्मेल आता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगहें भी हैं जहाँ पे आपको जाके बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत सा सुकून सा मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप गाइड लोगों को देख सकते हो, मैं यहाँ पे उनसे पूछने चली गई थी कि सच में गोलकोंडा फोर्ट में कुछ है या नहीं, तो उन्होंने तो यही बोला कि उनके नोटिस में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, रात को अगर कुछ होता है तो उनको नहीं पता। सो अभी तक हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गोलकोंडा फोर्ट इज नॉट हॉन्टेड, क्योंकि कुछ ऐसे फील नहीं हुआ हम लोग को एज सच, बट ये प्लेस काफ़ी क्रीपी था। वहाँ पे क्या है पता, चमगादड़ है। चलो चलो पे वो देखो, आगे देखो उड़ रहे हैं चमगादड़। चलो Oh my god, I don't know if you can hear, but they can see also in the camera. I don't know if it is visible and I don't know if it will be visible. It is visible prominently. जाओ थोड़ा आगे जाओ। नहीं नहीं, thank you, I'm done. हम लोग guide लोगों से पूछेंगे, is it true that Golconda Fort is visible from Hyderabad? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, गोलकोंडा फोर्ट में बहुत ऐसी जगह हैं जो काफी क्रीपी आपको लग सकते हैं बिकॉज ऑफ द फंकी स्मेल, अंधेरा और चमगादड़ के एकदम झुंड, बट कुछ अच्छे और बहुत खूबसूरत सुकून वाले जगह भी आपको गोलकोंडा फोर्ट में मिल जाएगा। गोलकोंडा फोर्ट बहुत बड़ा है तो हाथ में टाइम लेके जाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन विजिट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द फोर्ट, बट एनर्जी भी काफ़ी सारा चाहिए। तो दिस इज़ द ब्यूटिफुल प्लेस मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अजीब से इसके बीचों बीच कुछ एक बड़ा सा गड्ढा था। ऑब्वियसली हम लोगों ने गाइड नहीं लिया तो नहीं पता ये क्यों था और क्या है इसका मेन रीज़न, बट जो भी था ये जगह बहुत सुंदर था। Smell.
यहाँ पे मुझे फिर से एक बहुत ही अंधेरा वाला एकदम स्पूकी सा कॉर्नर मिल गया था जो मैं यहाँ पे सूर्या को दिखा रही थी। कुछ दिखेगा नहीं उतना खास। ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग और भी कॉर्नर्स और अलग अलग जगह गोलकोंडा फोर्ट के विजिट कर रहे थे और बहुत ही वियर्ड वियर्ड सी चीज़ें दिख रहे थे, जैसे यहाँ पे दरवाजे के अंदर दरवाजा और वो भी इतना छोटा सा। ये सब देख के बहुत वियर्ड लग तो रहा था, लेकिन एक गाइड ले लेते तो अच्छा होता ताकि हम लोग को समझ में आता कि ये सब क्या है और क्यों है। अगली बार अगर आप लोग चाहें कि गोलकोंडा फोर्ट पर हम लोग जाएँ और गाइड के साथ विजिट करें ताकि पूरे फोर्ट का हिस्ट्री हम लोग को पता लगे, तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, हम लोग वो ज़रूर कवर करेंगे आप लोग। तब तक आप लोग गोलकोंडा फोर्ट के रुइंस को एंजॉय करें। क्या हो गया? वहाँ जाएंगे बाहर, वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे, वहाँ पे जाएंगे अभी। थक गए हो? बहुत थक हार के हाफ वे हम लोग चढ़ चुके थे और तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ऊपर तक चढ़ने का, लेकिन क्योंकि इतना चढ़ चुके थे तो सूर्या बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि पूरा ऊपर तक चढ़े। तो यहाँ पे मैंने सूर्या को बोला था आप लोग को दिखाया जाए कि कहाँ से हम लोग चढ़े हैं ऊपर, तो वही दिखा रहा था सूर्या आप लोग को। जगदम्बा टेम्पल जाएंगे। We'll show you the view very soon, don't worry. Hi. Finally, we First, I'll show you the description, then we'll go. So this is Baradari Darbar Hall. Haan. The structure is located on the top of the outcrop and it is a double storied building. So from there we have came like this, this, this. And then here. To be honest, fort के ऊपर तक चढ़ना is a task. बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार आप ऊपर चढ़ जाओ तो व्यू इज सिनेरिक, बहुत सुंदर है। तो घूमने के बाद हम लोग नीचे उतर चुके थे और देख रहे थे कि पुलिस लोग का एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था बिकॉज ऑफ 15th August। हम लोग 14th को गए थे तो 15th को ऐसा कुछ चल रहा था। गोलकोंडा फोर्ट से बाहर आ गए, अभी थोड़ा सा कुछ खा के विल गो टू चारमीनार। तो यहाँ पे खाना बन रहा है हम लोग का, सूर्या गया है कुछ लाने। सो चारमीनार के एरिया में जाते हैं, फिर वहाँ पे तो ठूसेंगे ही बहुत सारा, तो वहाँ पे जाके बात करते हैं। बाय बाय। सो हम लोगों ने बस सिंपल सा चाउमीन खा लिया क्योंकि चारमीनार एरिया पे जाने के बाद हम लोग को और खाना था। तो चारमीनार एरिया में हम लोग पहुंच चुके थे एंड एकदम बाइक पार्क करते साथ साथ ही मार्केट शुरू हो गया। चारमीनार एरिया में पहुंच गए हैं। हियर इज चारमीनार जस्ट बिहाइंड अस। वी आर गोइंग टू ईट एट शादाब बिकॉज इट्स सपोज टू बी द मोस्ट पॉपुलर प्लेस हियर अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड। वी विल सी। और उसके अलावा कुछ और मिलता है तो वी विल डेफिनेटली शूट एंड लेट यू गाइस नो। सो ऐसे ही चारमीनार एरिया में घूमते घूमते हम लोग को एक कुल्फ़ी का दुकान मिल गया, तो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी कुल्फ़ी खा ली और हम लोगों ने पूछ भी लिया कुल्फ़ी वाले से कि यहाँ पे बेस्ट प्लेस कौन सा है खाने के लिए, और उन्होंने भी शादाब भी रेकमेंड किया। शादाब पहुँचने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ था, लग रहा था कि ये हाई पोर्टेड होने वाला है और ये बंदा यहाँ पे वीडियो के लिए पोस्ट कर रहा था। ऑलमोस्ट 35 to 40 minutes का वेट करना पड़ा क्योंकि इतना क्राउड है, इतना क्राउड है। सो नाउ फाइनली वी हैव ऑर्डर द स्पेशल मटन का क्या है, महाराज
मराग, मटन मराग जो सिर्फ साठ सब्जे को बनता है वो ऑर्डर किया है, एक मटन बिरयानी ऑर्डर कर दिया है और कोल्ड ड्रिंक्स और क्या खुबानी का मीठा। सो सब ने ऑलमोस्ट हैदराबाद में जो लोग रहते हैं लोकल्स के सब ने बिरयानी के लिए शादा रिकमेंड किया, तो हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ लेट्स जस्ट वेट फॉर द बिरयानी एंड लेट्स सी इसका हाइप। हैदराबाद आने के बाद से ही कोलकाता की बिरयानी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जहाँ जहाँ से अभी तक बिरयानी खाया था मैंने हैदराबाद में, मुझे कोई भी इतना खास लगा नहीं था। तो शादाब का इतना हाइप होने के वजह से शादाब की बिरयानी को ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे खाना टर्व हो रहा था और मेरे मुँह में पानी आ रहा था। दिस इज मटन मरग, दिस वन राइट, दिस इज मटन बिरयानी, दम बिरयानी, दिस इज सॉरी रायता, कुबानी का मीठा और सलाद और हमारा थम्स अप और ये हमारा सूर्या पुरिया जिसको बहुत भूख लगा है, नींद भी आया है। आई वॉज ट्राइंग मटन मराग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ये शादाब का वन ऑफ द स्पेशलिटी आइटम्स में से एक है क्योंकि ये सिर्फ सैटरडे संडे को ही मिलता है। तो ये ट्राई करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, बहुत रिच था टेस्ट में और इसमें जो मटन के छोटे छोटे पीसेस थे दोज वर सो सॉफ्ट और बहुत जूसी थे और टेस्ट अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। What do you think इसमें क्या क्या है? I feel like it's a paste of अदरक लहसुन और मटन कीमा, मटन कीमा of course, थोड़ा सा कोकोनट का भी टेस्ट आ रहा है ना, to be honest मुझे नहीं लग रहा। बाकी मटन विद बोन, ऑनियंस, कैश्यू नट्स, कर्ड, कोकोनट पाउडर, मैंने बोला ना, बॉइल्ड मिल्क, क्रीम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, कार्डमम, सिनेमम, क्लब्स, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिली। देखो कोकोनट है इसमें, मैंने बोला ना, टू मी इट टेस्ट लाइक रिचनेस, रॉयल खाना। ट्राई द बिरयानी एंड टेल अस हाउ इज इट। Is it better than any other Hyderabadi biryani you have had in Hyderabad? You will like it. Like comparing to other Hyderabadi biryanis, you will like this more. Salan. पहले कर दी, ये तो खाओ। सूखा। हाँ सूखा खा के देखते पहले कैसा है। पहले तो बताओ खाना कैसा था? खाना इज डू यू लाइक द बिरयानी हियर? यस अ लॉट। ओके व्हाट इज दिस? कुबानी का मीठा। ट्राई विद द एप्रिकॉट एंड द क्रीम एंड टेल अस हाउ इज इट। अच्छे से डिप इन करके लो। गिर जा रहा। हाउ डज इट टेस्ट? अरे कैसा टेस्ट है, टेस्ट में कैसा है बताओ, किस चीज से बना है? एप्रिकॉट है इसमें, चीनी है इसमें, चीनी कुछ ज्यादा ही है इसमें। ओके थोड़ा मलाई फील भी आ रहा है इसमें, सो ओवरऑल जो मीठा पसंद करता है उसके लिए सही है। मुझे अच्छा लगेगा एप्रिकॉट? यस बट अदर्स ओनली यू। ओके आई विल ट्राई। मुझे स्वीट चीजें पसंद है नहीं बट आई विल ट्राई दिस। थोड़ा सा ये ऊपर कुछ तो एक है क्रीम या कुछ, आई ट्राई विद दिस, आई ट्राई अ लिटिल बिट। टू स्वीट फॉर माय टेस्ट। मीठे लवर को अच्छा लग रहा, ऊपर वो वाइन वाला मलाई है। खाने के बाद हम लोग थोड़ा चार मीनार के सामने घूमने चले गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोगों ने घर वापस आना ही सही समझा। तो कुछ ऐसा ही बीता हमारा दिन, काफ़ी अच्छा था। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।